चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। राजधानी दिल्ली में हुई शवों की अदला बदली। हिंदू परिवार को दे दी गई ईसाई महिला की बॉडी। हिंदू परिवार ने कर दिया ईसाई महिला का अंतिम संस्कार। मणिपाल हॉस्पिटल की लापरवाही ने खिसकाई दो परिवारों के पैरों तले की जमीन। द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल के खिलाफ दर्ज हुई FIR। द्वारका के निजी अस्पताल मणिपाल ने कोरोना काल में कर दिया ऐसा कांड जो मेडिकल हिस्ट्री में आज तक सुनने को नहीं मिला। क्रिश्चियन महिला की बॉडी हिंदू परिवार को सौंप कर अंतिम संस्कार तक करा दिया गया। राज खुला तो मच गया हड़कंप। इसके बाद हॉस्पिटल ने मामले को दबाने के लिए क्रिश्चियन और हिंदू परिवारों को धमकियां दी। इस मामले में पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके का यह है मणिपाल हॉस्पिटल, जिसने एक ऐसा घिनौना काम कर दिया जिसके चलते दो धर्मों की आस्था तार तार हो गई। धर्मों की आस्थाओं के साथ ऐसा धोखा किया गया कि पुलिस महकमे से लेकर दिल्ली सरकार तक सकते में आ गई। दरअसल क्रिश्चियन प्रिस्ट गरिकापति परिसुद्धम को 14 सितंबर को द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद गरिकापति की लाश को जब परिजन लेने आए तब परिजनों को कोरोना पॉजिटिव स्नेह कोहली की डेड बॉडी दे दी गई। फिर परिवार ने ऐसा हंगामा किया कि कई घंटे बाद हॉस्पिटल की लापरवाही का राज आखिरकार खुल ही गया। 14 तारीख को सुबह मेरी मदर स्ट्रोक आया उनको, तो मैं यहाँ लेके आया रिस्पेक्टेबल ब्रांड करके मणिपाल हॉस्पिटल में। लेकिन जैसे ही लेके आया यहाँ पे शी वाज ऑलरेडी पास्ड अवे, तो इन्होंने मॉर्चरी में रखवाया। अगले दिन जब मैं आया उनको लेने बॉडी, ताकि हम अपने हिसाब से क्रिश्चियंस हैं हम लोग, हम अपने हिसाब से उनको बरियल करें, तो पता चलता है इन्होंने ऑलरेडी मेरी मदर का बॉडी जो है किसी और को दे दिया, एक हिंदू फैमिली को, और उन्होंने ऑलरेडी उस टाइम तक दान संस्कार कर दिया था उन्होंने। इसके बाद पता चला कि क्रिश्चियन महिला गरिकापति की डेड बॉडी कोहली फैमिली को बहुत पहले ही दे दी गई थी और उन्होंने क्रिश्चियन महिला का अंतिम संस्कार तक हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से कर दिया था। जब गरिकापति के घर वालों ने कोहली फैमिली को सारी बात बताई तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर कोई हॉस्पिटल ऐसा कैसे कर सकता है। मामले का खुलासा होने के बाद दोनों परिवार सदमे में आ गए और फिर जमकर बवाल हुआ। पुलिस और दिल्ली सरकार तक जब यह बात पहुंची तो हर कोई सकते में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार भी फौरन हरकत में आ गई। आला अधिकारियों ने हॉस्पिटल पहुंच मामले की जांच की। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। साथ ही मणिपाल हॉस्पिटल पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये दोनों बॉडीज एक्सचेंज हुई और उनमें से एक जो है बॉडी एक्सचेंज हुई और उसका दाह संस्कार भी हो गया था। मामला संज्ञान में आने के बाद में जो एग्रीड पार्टी थी उसकी कंप्लेंट ले ली गई है और उसमें जो है FIR दर्ज कर दी गई और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोग्रेस है। मणिपाल हॉस्पिटल के द्वारा मानवीय संवेदनाओं के मामले में बरती गई इस गंभीर लापरवाही के कारण अस्पताल प्रशासन की साख पर बट्टा लगना सुनिश्चित है। अब देखना यह होगा कि पुलिस की FIR और सरकारी जांच के बाद अस्पताल प्रशासन के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।